मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवी क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 13, पीपल टू द फॉरेस्ट। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टॉपिक डिस्कस्ड ऑफ आर लाइफ स्टाइल्स ऑफ आदिवासीज एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ आदिवासीज। नेक्स्ट टॉपिक इज द अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ आदिवासी। अब देखिए, जो लगातार जंगल कट रहे हैं उसका आदिवासियों पे क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है। द रैपिड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। देखिए, जो जंगल की लगातार कटिंग हो रही है, काट रहे हैं जिन्हें, उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज ड्रॉप आदिवासी ऑफ देयर लैंड एंड होम्स। और देखिए, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा जो आदिवासी, उनकी जो जमीन है, उनका जो घर है, वो खत्म हो रहा है। दे हैव बीन डिसप्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड विच इज बींग यूज टू बिल्ड डैम्स, माइंस एंड इंडस्ट्री। और इनके द्वारा उनके जो घर हैं इस जमीन पे से, उनके जो घर हैं, जो डैम्स हैं, जो माइंस, जो इंडस्ट्री, सब नष्ट हो रही है। दे आर फोर्स टू वेंडर टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ वर्क एंड फूड। और वो इसके लिए बहुत दबाव बन रहा है उन लोग के लिए कि वो दूसरी जगह पे जाकर रहें अपने खाने की तलाश में, अपने काम के लिए। ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण दे आर अनेबल टू वर्क इन सिटीज ऑल्सो। तो शिक्षा की कमी के कारण वो सिटीज में वर्क नहीं कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम एंड ऑफ वर्किंग एज बॉन्डेड लेबर। और उनके द्वारा क्या हो गया, बहुत सारे वर्क रुक से गए हैं, बहुत सारे काम मजदूर पूर्ण रूप से, प्रॉपर रूप से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ फॉर आदिवासी। अब देख, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान और नियम आदिवासी के लिए किस प्रकार बने गए हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मीन संविधान के अंदर, रिपब्लिक हमारे इंडिया को, जो भारत को स्वतंत्रता मिली है 1950, ट्राइबल पीपल अलोंग विद अनटचेबल्स बिकम सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोविजन। तो जो आदिवासी है उन्हें क्या बोला गया, अनटचेबल, अछूत के नाम से जाना गया, सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोविजन। तो उन्हें स्पेशल प्रोटेक्टिव दिया गया। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ट्राइब्स वर क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उनकी जो मेजोरिटी है वो क्या हो गई, आदिवासियों की, बहुत अलग अलग क्लासिफाई की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अनुसार। आर्टिकल 314 ऑथोराइज्ड, 314 संविधान के अनुसार द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो स्पेसिफाई, जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, कास्ट रेसेस और ट्राइब्स विच इज सेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बनाया गया कि जो कास्ट, जाति होती है, जो ट्राइब्स आदिवासी हैं, वो क्या होते हैं, अपने पर्पस के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डीम्ड, अपने संविधान के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्हें भी हर एक प्रकार का हक मिला गया है। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड इन 1951 में। और इसके लिए सबसे पहला संविधान 1951 में आदिवासियों के लिए पास किया गया था। अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांटेजमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ सिटीजन ऑफ द शेड्यूल। और उन्हें भी इस प्रकार का अलाउ, परमिशन दी गई थी कि वो भी अपना स्पेशल, जो भी किसी भी स्टेट में रहकर अपना कुछ भी वर्क कर सकते हैं, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक शिक्षा, सभी चीज, जो बैकवर्ड लोग होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति रहते हैं, उन्हें भी हर एक प्रकार की, संविधान में हर एक प्रकार का, उनसे कोई भेदभाव ना रखे। कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विच इश्यू एंड एनुअल रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट गिव अकाउंट ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट आदिवासी एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव देयर पोजिशन। और उन्हें हर एक प्रकार की सुविधा प्रदान गई, शिक्षा में प्रदान की गई, समाज में प्रदान की गई, ताकि वो लोग भी पढ़ लिख कर अपना स्वयं का वर्क कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं उनके आधार पर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड, जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें बोलते हैं आदिवासी। हंटर्स अर्ली मेन, सो आंसर इज आदिवासी। आदिवासी डिपेंड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग फिशिंग, फॉरेस्ट, फार्मिंग। सो आंसर इज फॉरेस्ट, पूर्ण रूप से वो जंगल पे आश्रित रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आदिवासी इज फिशिंग, माइनिंग, शिप रियरिंग। सो आंसर इज शिप रियरिंग। ओके, देयर आर डैश ट्राइब्स स्टिल लिविंग इन इंडिया पॉपुलेशन। हमारे इंडिया में इतनी जनजाति ट्राइब्स, आदिवासी जनजाति अभी तक है 610, 620। सो आंसर इज 620। ओके,
नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट नंबर इज टुडे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस आर कॉल्ड टाउन्स TOWNS टाउन्स एंड सिटीज CITIES. हमारे इंडिया की अधिकतर पॉपुलेशन गांव में टाउन्स में और सिटीज में रहती है. सेकेंड द टर्म ट्राइबल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश BRITA. सबसे पहले ट्राइबल का टर्म का इंट्रोड्यूस ब्रिटिश में किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा किया गया था. आदिवासी मेक देयर होम इन अ स्मॉल क्लस्टर कॉल्ड FALYAS. ओके, आदिवासी जो अपना घर छोटे छोटे समूह मिलके जो घर बनाते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लायर्स. ईच ट्राइब्स हैड्स इट्स ओन लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज एंड कल्चर CULTURE कल्चर. जो हर एक ट्राइब का, हर एक आदिवासी की अपनी खुद की लैंग्वेज है, अपना खुद का कल्चर है. सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.